बच्चों, मैं सुनीता यादव, लेक्चरर होम साइंस। बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अस्थियां, कंकाल तंत्र। अब आज हम पढ़ेंगे संधियां। यदि हमारा पूरा कंकाल एक ही अस्थि का बना होता बच्चों, तो हमारे हाथ पैर न तो हिल पाते और ना इधर उधर झुक पाते, ना ही चल फिर पाते। इसीलिए हमारे कंकाल में इतनी सारी अलग अलग अस्थियों का ढांचा होता है। इसमें अस्थियाँ एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी रहती हैं, इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि जिससे अस्थियाँ आवश्यक गतियाँ कर सकें, आवश्यक रूप से गति कर सकें। तो अस्थियों के इन्हीं जोड़ों को संधि स्थान कहते हैं, अस्थियों के इन्हीं जोड़ों को संधि कहते हैं, यानी संधियाँ अस्थियों के जोड़ों को संधि कहते हैं। हमारे कंकाल में मुख्यतः दो प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं, चल संधि और अचल संधि। चल संधि और अचल संधि। चल संधि बच्चों, कंकाल में अनेक चल संधियाँ पाई जाती हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे जो चलते हैं, हिला डुला सकते हैं, चल फिर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो ऐसे अंगों में चल संधियाँ पाई जाती हैं। तो कंकाल में अनेक चल संधियाँ पाई जाती हैं। चल संधियाँ बनने के लिए एक अस्थि का सिर दूसरी अस्थि में फिट होता है, साथ ही दोनों अस्थियाँ मजबूत स्नायुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं और दोनों अस्थियों के बीच एक चिपचिपा द्रव्य भरा रहता है। इसी व्यवस्था के कारण ही अस्थियाँ बिना रगड़ के हिल डुल सकती हैं और स्नायुओं के लचीलेपन के कारण ही अस्थियाँ विभिन्न गतियों के बाद ही स्वयं ही अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। परंतु आवश्यकता से अधिक गति हो जाने पर स्नायु बहुत खिंच जाते हैं, जिसे मोच कहते हैं। कभी कभी स्नायु अत्यधिक खींचकर टूट जाते हैं, इससे संधि पर जुड़ी अस्थियाँ खिसक जाती हैं, जिसे संधि भंग कहते हैं। चल संधियाँ बच्चों दो प्रकार की होती हैं। पहले तो आपने पढ़ा कि हमारे कंकाल में मुख्य रूप से दो प्रकार की संधियाँ होती हैं, तो एक चल संधि और एक अचल संधि। तो चल संधि में भी दो प्रकार होते हैं, पूर्ण चल संधि और अपूर्ण चल संधि, यानी पूरी तरह से चलने वाली संधियाँ और एक आधी तरीके से या उपास की गद्दी पर होती है जो पूरी तरीके से नहीं हिल डुल सकती, तो यह पूर्ण चल संधि होती है। तो चल संधियों के भी दो प्रकार होते हैं, पूर्ण चल संधि और अपूर्ण चल संधि। पूर्ण चल संधि में बच्चों कंदुक खल्लिका संधि, कब्जा संधि, खूंटीदार संधि, सैंडल संधि, विसर्पी या प्रसर संधि और अपूर्ण चल संधि जो है आपकी, अपूर्ण चल संधि बच्चों, अपूर्ण चल संधि जैसे मेरुदंड में, मेरुदंड की कोशिकाओं के बीच में विद्यमान संधि, दोनों ओर की जंघास्थियों के बीच की कार्टिलेज की उपास्थि की गद्दी जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है, ये सब अपूर्ण चल संधियाँ हैं। तो पहले तो आपका आता है पूर्ण चल संधि। तो पूर्ण चल संधि में आपकी कंदुक खल्लिका संधि, ऐसी संधि में अस्थि का गेंद जैसा गोल उभरा हुआ सिरा दोनों अस्थि के गड्ढे अथवा खल्लिका में फिट होता है। उभरे सिले वाली अस्थि चारों ओर घूम सकती है, उभरे सिले वाली अस्थि चारों ओर घूम सकती है। जैसे हम लोग हाथ हिलाते हैं, हाथ को पूरा घुमाते हैं, तो कंधे में हमारे कब्जा संधि ही है। तो कंधे में ह्यूमरस अस्थि के साथ एवं कूल्हे में फीमर अस्थि के साथ इसी प्रकार की संधि बनती है बच्चों। अब आती है आपकी कब्जा संधि। ऐसी संधि में एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी के गड्ढे में ऐसे फिट होता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि दरवाजे की भांति केवल एक ही दिशा में पूरी तरह मुड़ सकती है। यह संधि कब्जे की भांति कार्य करती है, जैसे कोहनी, घुटने, अंगुलियों के पोरों में ऐसी संधियां पाई जाती हैं। अब ये एक ही तरफ मुड़ती है बच्चों, हाथ अपना ऊपर को मोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन पीछे को सोचें कि बीच से कोहनी से पीछे को मोड़ लें तो नहीं मुड़ता। यहाँ पे हमारे क्या है, कब्जा संधियाँ पाई जाती हैं। खूंटीदार संधियाँ तीसरा आता है, खूंटीदार संधियाँ। ऐसी संधि में एक अस्थि धुरी की भांति स्थिर रहती है तथा दूसरी अपने गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर इधर उधर गोलाई में घूमती रहती है। कशेरुक दंड की प्रथम कशेरुका एटलस जो कि खोपड़ी को धारण किए रहती है, दूसरी कशेरुका पर इस संधि के कारण घूम पाती है। उदाहरण के लिए जैसे खोपड़ी और शीर्ष कशेरुक के मध्य में तथा मेरुदंड की अस्थि के प्रथम दो कशेरुक जिनके सहारे खोपड़ी इधर उधर ऊपर नीचे घूम सकती है, इसी प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, यानी खूंटीदार संधियां पाई जाती हैं।
ऐसे स्थान पर खूंटीदार संधियाँ पाई जाती हैं। सैंडल संधि अब आपकी आती है, ये कंदुक खलिका जैसी संधि होती है, लेकिन इसमें गड्ढे गेंद और खलिका कम विकसित होते हैं। जैसे बाल वाली अस्थि चारों ओर अच्छी तरह नहीं घूमती है। मनुष्य के अंगूठे में ऐसी संधि पाई जाती है, जब अंगूठा हम लोग घुमाते हैं तो ऐसे घुमाने पर अंगूठे को नीचे को तो अंगूठा मुड़ सकता है, चारों तरफ को ऐसे घूमता है, लेकिन ऊपर को सोचे कि पीछे को मोड़ दें अंगूठे को तो नहीं मुड़ता। तो यहाँ पर आपकी सैंडल संधि पाई जाती है बच्चों। इसी कारण अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा अधिक इधर उधर घुमाया जा सकता है, परंतु इतना भी नहीं जितना कि कंधे की अस्थि घूम सकती है। विसर्पी या प्रसर संधि अब आती है बच्चों। जिस संधि पर एक अस्थि दूसरे के ऊपर उपास्थि यानी कार्टिलेज की गद्दी के सहारे फिसलती है वह विसर्पी संधि कहलाती है। जैसे कलाई की अस्थि और मेरुदंड के कशेरुक। मेरुदंड में जो छोटे छोटे मेरुदंड जो हमारा बना हुआ है बच्चों, वो छोटे छोटे टुकड़ों हड्डियों के टुकड़ों से जुड़कर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इधर उधर झुक लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, आगे पीछे झुक लेते हैं, मुड़ लेते हैं। तो जो टुकड़ों में जुड़ी हुई है उसको कशेरुका बोलते हैं, कशेरुक बोलते हैं, उन टुकड़ों को ही कशेरुक बोलते हैं। तो कलाई की अस्थियाँ और मेरुदंड के कशेरुक जो हैं विसर्पी या प्रसर संधि द्वारा जुड़े होते हैं। अपूर्ण चल संधि है आपकी। इस प्रकार की संधि में दोनों हड्डियाँ केवल उपास्थियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इनमें गतियाँ बहुत ही कम होती है। दोनों प्यूबिस हड्डियों के बीच ऐसी संधि होती है, जैसे मेरुदंड की कशेरुकाओं के बीच में विद्यमान संधि दोनों ओर की जंघनाशियों के बीच कार्टिलेज तथा उपास की गद्दी जो इन गद्दियों को आपस में जोड़ती है। अब आता है बच्चों आपका अचल संधि। एक चल संधि थी आपकी और दूसरी अचल संधि। तब अचल संधि, इसमें हड्डियां सीवन द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं और हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं, हिल डुल नहीं सकती हैं, इसीलिए इसे अचल संधि कहते हैं। खोपड़ी के अस्थियों में इसी प्रकार की संधियाँ होती हैं। खोपड़ी हमारी जो है सिर में जो अस्थियाँ हैं वो चलती फिरती नहीं है बच्चों, इसीलिए खोपड़ी देखते हैं हमेशा मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। खोपड़ी की हड्डी इधर उधर चल फिर नहीं सकती, बाकी शरीर की जो और अस्थियाँ हैं वो सब इधर उधर चलायमान रहती हैं, चल फिर सकती, गतियाँ होती रहती हैं उनमें, और खोपड़ी की हड्डियों में गतियाँ नहीं होती, इसलिए खोपड़ी में अचल संधियाँ पाई जाती हैं, अचल संधियाँ पाई जाती हैं। संधियों में होने वाली जो गतियाँ हैं बच्चों, संधियाँ अस्थियों में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं उत्पन्न करती हैं। संधियाँ जो होती हैं वो अस्थियों में कई प्रकार की गतियाँ उत्पन्न करती हैं, जैसे संकुचन करना, फैलना, परिवर्तन। तो संकुचन में आपका जब एक अंग दूसरे अंग की तरफ खींचता है तो उसे संकुचन कहते हैं, जब एक अंग दूसरे अंग की तरफ खींचता है तो उसे संकुचन कहते हैं। जैसे कूनी मोड़कर अग्रबाहु को पश्च बाहु के पास लाया जा सकता है, आगे का मतलब हाथ आप मोड़ेंगे तो ऊपर को मुड़ेगा, मुड़ जाएगा, तो आगे का हिस्सा जो है, जो हाथ का जिसमें हथेली वाला हिस्सा जो है, यह हिस्सा मुड़ के आपका ऊपर पश्च बाहु के पास लाया जा सकता है, ऊपर को मुड़ जाता है, और इसे कोहनी का संकुचन इसी को कहते हैं बच्चों। कोहनी मोड़कर अग्रबाहु को पश्चबाहु के पास लाया जा सकता है, इसी को कोहनी का संकुचन कहते हैं। फैलना, अब फैलने में ये फैलने में बच्चों, जैसे अग्रबाहु का सामने की तरफ फैलने के बाद बाहु से दूर चले जाना, जब हम हाथ को मोड़ते हैं और हाथ को जब हम खोलते हैं तो अपना ऊपर वाली बाहु से हमारा हाथ आगे का दूर हो जाता है, ये फैलना है, ये भी हमारा संधियों के कारण ही है। और फिर तीसरा आता है आपका परिवर्तन। जब कोई अंग अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमे कि चारों ओर घूमकर एक शंकु बन जाए तो इस प्रकार की गतियों को परिवर्तन कहते हैं, इस प्रकार की गतियों को परिवर्तन कहते हैं। बस बच्चों आज के लिए इतना ही।